दोस्ती या दुश्मनी का प्रश्न नहीं है, मैं देश की जनता के दर्द का, देश की जनता की पीड़ा का गायक हूं। देश की जनता का दर्द गाऊंगा, किसी भी सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ये सोच के कविता नहीं लिखता कि सरकारों को कैसी लगेंगी, मैं ये सोच के कविता लिखता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के पक्ष में क्या है, हिंदुस्तान की जनता के समर्थन में क्या है, और मैं उस समर्थन और पक्ष की कविताएं लिखता हूं, जनता के लिए लिखता हूं। सत्ता है सब, मैं भीगी सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगणमन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगणमन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं एक झोपड़ी का बेटा हूं, मैं झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना वेदना का दर्द गाने की हिम्मत करता हूं। आप ये जानना चाहेंगे क्यों बताता हूं? एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, चौधरी देवीलाल ने मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आकर कहा अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत। एक दो चित्र दिखाता हूँ, बस एक चित्र, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सब इस बनाने भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिरैया सोली टंगे पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, राजघाट पर सोए गांधी तुझे जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की। एक और चित्र देखिए, एक और चित्र देखिए, और मैं जानना चाहता हूँ कितने मन से कितने उत्साह से आपने सुना, आपकी तालियां ही बता सकती हैं आपने किस मन से मेरा ये चित्र देखा। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए, छठी पंक्ति पर देखना चाहता हूं आपको कितना पसंद किया मेरी इस चित्र को। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो चार कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा में गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। या जिस पंक्ति के लिए मैंने ये चित्र लिखा है वो पंक्ति नहीं आई, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो चार कदम भी नहीं चले, क्रांति कथा में गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। छठी पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपके दिलों पर दस्तक देना चाहता हूं। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। चार लाइन और सुन लीजिए फिर दूसरी कविता शुरू करूंगा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गैरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है। फिर ध्यान देना छठी पंक्ति पर, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच। राजनीति में करना भी नहीं चाहता, मैंने केवल एक आधार पर कविताएं लिखी,
मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैंने 4 साल पहले कविता लिखी थी, काला धन घर में भी है, 4 साल पहले, काला धन घर में भी है उसकी रफ्तार मंद कर दो, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, 1500, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं, सरकार को बता रहा हूं कि आगे का कदम उठाएं, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो, बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो, नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो, किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो, कितने सोने के मालिक हैं एफिडेविट भरवा लो, फिर एक एक करके हर के लॉकर को खोला जाए, किसने कितना सच बोला है वो सब भी तोला जाए, किसने कितना सच बोला है वो सब भी तोला जाए। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा, जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। जो आज कश्मीर के हालात हैं उस पर कविता सुनिए, मैं उस पर कविता सुनाता हूं आपको। ये आतंकों के गालों पर बड़ी चर्चा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ये आतंकों के गालों पर केवल एक मुहूर्त है, एक नहीं 100 सर्जिकल हमलों की और जरूरत है, एक नहीं 100 सर्जिकल हमलों की और जरूरत है। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा था चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटती थी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटती थी चूहों के दरबारों में। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके खून का उबाल देखना चाहता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की और जोश लाना सुनने में, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, भारत का प्रधानमंत्री बिना बुलाए चाय पीने पाकिस्तान पहुंच जाए, मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्यों हुआ होगा, लेकिन मेरा तर्क सुनना, 125 करोड़ देश का नेता पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास गा रहा हूं एक लाइन में, आपको अच्छा लगे तो पूरे सदन का मन चाहता हूं कि मेरे इस विचार का समर्थन करे, 68 साल का इतिहास एक पंक्ति में। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावल पिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत मुखी मैंने
मैं प्रोफेसर रहते ये भाषा नहीं बोल सकता था, आज बोलना चाहता हूं और आपकी राय जानना चाहता हूं, आप मेरी राय से कितने सहमत हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। मेरे साथ लगाइए नारा, भारत माता की। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदम खोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। आगे पढ़ता हूं, जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने लिखी, मैं खुद रोया, लिख के खुद रोया, अपनी व्यवस्था पर, अपनी सरकार के हालात पर। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, अगली पंक्ति जो समझ जाए वो तालियों का पहाड़ उठाएं, जो ना समझे वो चुप रह सकते हैं। मैं चाहता हूं जो समझ जाए मैं उनकी ताली देखना चाहता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। मैं देखना चाहता हूं मेरे पढ़ने में जोश ज्यादा है या आपके सुनने में जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, हम आतंकवादी को मारेंगे तो आप ब्लैक डे मनाएंगे? जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की गलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल दो दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलते हमने देखा, हम भी दुनिया को ईंटों का उत्तर हम पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगा ऐसा, अब होगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते, अगली महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ रहा हूं, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। लाल चौक पर भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। जो समझे उनकी तालियां उठें। लाल चौक पर भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। हर कश्मीरी विस्थापित पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो।